सिरमौर जिला के पछाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की बागी उम्मीदवार दयाल प्यारी के नामांकन वापसी की अटकलों के बीच सोलन में जमकर हंगामा हुआ। सोलन के एक निजी होटल में ठहरी दयाल प्यारी के समर्थक उनको मनाने पहुंचे और उनके नामांकन वापस लेने के फैसले का विरोध किया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और बाद में समर्थक दयाल प्यारी को जबरन गाड़ी में बैठाकर पछाद ले गए। पछाद विधानसभा उपचुनाव में नामांकन वापसी को लेकर कभी हां कभी ना की ऊहापोह की स्थिति के बाद अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। सिरमौर जिला में पछाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की बागी उम्मीदवार दयाल प्यारी ने अपने समर्थकों के दबाव के चलते आखिरकार नाम वापस लेने के फैसले पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है और अब उन्होंने चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने उन्होंने नाम वापस लेने की हामी भरी थी, लेकिन जनता की भावनाओं को देखते हुए अब वे चुनाव जरूर लड़ेंगी। दयाल प्यारी ने कहा कि एक तरफ सरकार व संगठन है और दूसरी तरफ उनकी पछाद की जनता। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र की वो जनता है जो तानाशाही के खिलाफ लड़े जाने वाली लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि तानाशाही को रोकने के लिए और संगठन में 1978 से लगातार उनके परिवार की ओर से दी जा रही कुर्बानी को देखते हुए उन्हें जनता ने चुनाव मैदान में उतारा है। एक साइड मेरी सरकार है, एक साइड मेरा संगठन है, एक साइड मेरी जनता है। इस टाइम में जो आवाज है वो जनता को दयाल प्यारी की जरूरत है। अब उसमें मुझे क्या अंजाम मिले वो पछाड़ की जनता को तय करना है। एक मेरा पार्टी में जो 1977 से लेकर के मेरी जो परिवार जूझ रहा है और आज जब मेरे को ये मौका मिलना चाहिए था, मुझे टिकट मिलना चाहिए था, तो मुझे क्यों नहीं दिया गया। मेरी जनता का यही रोष है। जब मेरी सीएम साहब से बात हुई थी तो मैंने हामी भरी थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं अपने जनता से बात करूंगी। लेकिन जिस तरह से इन लोगों को पता लगा, मुझे नहीं पता कि कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी जनता पीछे चिंतित है, सारे लोग चिंतित है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो, किसी बहकावे में तो नहीं आ रहे हो। मैं किसी भी बहकावे में नहीं आई हूँ। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने बात जरूर कही है कि बेटा हम लोग एक पार्टी के हैं और मुखिया होने के नाते उन्होंने मुझे समझाया भी है तो, लेकिन एक साइड वही बात है कि कुछ तानाशाह लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अगर पार्टी से बाहर चली जाऊं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे ये डर है कि अगर मैं पार्टी के अंदर रह के माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे सारे काम करेंगे, लेकिन वहाँ जो क्षेत्रीय समस्या है वो तानाशाही है, उस तानाशाही को रोकने के लिए आज पछाद की जनता को है आवश्यकता है दयाल प्यारी की, हमें उससे लड़ना है। इसलिए जो है अभी मैं स्टेन हूँ, मैंने अभी जो अपना नामांकन कुछ भी वापस नहीं लिया है, मैं अपनी जनता के साथ हूँ, जनता के साथ खड़ी हूँ। आज से कैंपेन शुरू हो रहा है और मैं आजाद के रूप में जो है चुनाव लड़ रही हूँ। वीरवार को नामांकन वापसी की अटकलों के बीच सोलन में जमकर हंगामा हुआ। सोलन के एक निजी होटल में ठहरी दयाल प्यारी के समर्थक उनको मनाने पहुंचे और उनके नामांकन वापस लेने के फैसले का जमकर विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल सोलन।